यूं तो इंटरनेट के इस्तेमाल से हर काम आसान हो गया है, लेकिन यही इंटरनेट क्राइम की वजह भी बनता जा रहा है। इंटरनेट और फोन लोगों की लाइफस्टाइल आरामदायक करने के साथ ही क्राइम का एक और जरिया बन गया है। पिछले कुछ सालों में फोन और इंटरनेट की वजह से हजारों अपराध दर्ज किए गए हैं, जिसमें साइबर क्राइम और इंटरनेट पर फैली गलत जानकारी के बाद हुई हिंसा के मामले भी शामिल हैं। फोन के बढ़ते इस्तेमाल से साइबर क्राइम में भी काफी बढ़ोतरी हो रही है। साइबर क्राइम की घटनाएं इतनी बढ़ रही हैं कि अब संसद में भी इसकी चर्चा हो रही है। हाल ही में बजट सत्र के दौरान एक सांसद ने इलेक्ट्रॉनिक्स और इंफॉर्मेशन मिनिस्ट्री से मोबाइल और इंटरनेट के दुरुपयोग के बारे में सवाल पूछा। क्राइम के लिस्ट के जरिए मंत्रालय की ओर से फोन और इंटरनेट के उपयोग से हिंसा भड़काने के कितने मामले सामने आए हैं, इसकी जानकारी भी दी गई। मंत्रालय की ओर से जारी की गई सूचना में फोन और इंटरनेट के उपयोग से होने वाली अपराधों को साइबर क्राइम माना गया है। सरकार की ओर से संसद में दिए गए जवाब में कहा गया है, राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो की ओर से दिए गए डेटा के अनुसार साल 2017 में 21,796, साल 2018 में 27,248 और साल 2019 में 44,546 साइबर क्राइम के मामले दर्ज किए गए हैं। अब इन आंकड़ों से तो साफ पता चल रहा है कि हर साल साइबर क्राइम्स में काफी बढ़ोतरी हो रही है। साल 2018 से 2019 के बीच तो मामले करीब डेढ़ गुना बढ़ गए हैं। वहीं अभी 2020 का डेटा आना बाकी है, जिसमें माना जा रहा है कि ये आंकड़ा और भी अधिक बढ़ सकता है। हालांकि मंत्रालय की ओर से दी गई जानकारी में ये साफ नहीं है कि इंटरनेट पर भेजी गई जानकारी की वजह से हिंसा भड़काने के कितने मामले शामिल हैं। आपको बता दें कि मंत्रालय की ओर से साइबर क्राइम की विस्तृत रिपोर्ट भेजी गई है। अगर साइबर क्राइम में राज्यवार डेटा देखें तो साइबर क्राइम्स के मामले में उत्तर प्रदेश सबसे आगे है। यूपी में साल 2017 में 4,971 मामले दर्ज किए गए थे और 2,726 मामलों में गिरफ्तारी भी हुई है। वहीं साल 2018 में यूपी में ही 6,280 मामले दर्ज हुए। साल 2019 में तो यह आंकड़ा बढ़कर 11,416 हो गया और अभी इन मामलों में लगातार बढ़ोतरी जारी है। सरकार की ओर से इन मामलों में कमी लाने के लिए कई कदम भी उठाए जा रहे हैं। साइबर पुलिस स्टेशन से लेकर आईटी एक्ट 2000 में साइबर क्राइम को निपटाने के लिए कई प्रावधान शामिल किए गए हैं। साथ ही इसकी धारा 69 के अनुसार सरकार को भारत की रक्षा, संप्रभुता और सुरक्षा को नुकसान पहुंचाने वाले किसी भी कंटेंट को कंप्यूटर या इंटरनेट पर ब्लॉक करने का अधिकार दिया जाता है। हमारी इस वीडियो पर क्या है आपकी राय, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। बाकी देश और दुनिया से जुड़ी सभी खबरों के लिए देखते रहिए हमारा डिजिटल चैनल TV9 भारतवर्ष। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।